मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश अपना कहर बरपा रही है। प्रदेश की नर्मदा, चंबल, बेतवा, शिप्रा नदी उफान पर हैं। ज्यादातर हिस्सों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जिलों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायसेन, खरगोन, राजगढ़, ढिंडोरी, देवास, मंदसौर, धार समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा उफान पर है। भारी बारिश से करीब करीब हर जिले में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट पर है और कई जगह निचली बस्तियों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। उधर राजगढ़ में नरसिंहगढ़ में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचली बस्तियों में कई घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ छोटे महादेव पर घूमने आए पर्यटक फंस गए, जिनका पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहीं ढिंडोरी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह जल भराव की स्थिति है। हालात ऐसे हैं कि जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों से जिला प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। इस बीच ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा तवा और बरगी डैम भी लबालब हो गए हैं, जिसकी वजह से तवा और बरगी डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नेमावर में नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ा। यहाँ नर्मदा खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और आसपास के गांवों में लगातार मुनादी की जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश से कई इलाकों में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के तमाम जो जल स्रोत है, जो डैम्स है, वो फुल हो चुके हैं। हम भोपाल की बड़ी झील पर मौजूद है और ये भी अपना जो लेवल है वो पार कर चुकी है और इसकी वजह से इसके गेट्स भी खोले जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से कई जिले आफत से जूझ रहे हैं, चाहे वो राजगढ़ हो, चाहे वो भोपाल हो, विदिशा हो, रायसेन हो, सागर हो, नरसिंहपुर हो, या फिर अन्य जिलों की भी बात करें तो बारिश काफी तेज है और जिसकी वजह से सारे डैम्स लगभग फुल हैं, जिनके गेट्स भी खोले जा रहे हैं। अभी बदबदा के और कलियासोत डैम के गेट भी भोपाल में खोले गए हैं बड़ी झील का लेवल फुल होने के बाद। सिर्फ भोपाल की बात करें तो 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में हो चुकी है और इस तरह से कई इंच बारिश अगर लगातार होती रही तो बाढ़ आने का खतरा भी मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय वल्लभ भवन में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरदा, होशंगाबाद, भोपाल के कलेक्टर से उन्होंने बात की है और जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश लगातार आफत बरसा रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को राहत मिलेगी। खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित रामघाट का आधा हिस्सा जलमग्न है। घाट पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ जलमग्न हो गए। शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह तक घुस गया। पशुपतिनाथ भगवान के 4 मुंह पानी में डूब गए। मेरा सभी प्रभावित जिले के बहनों और भाइयों से निवेदन है, सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं, अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रशासन की बात जरूर माने। उधर छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रायपुर से लेकर रायगढ़ और जांजगीर चांपा से लेकर बस्तर तक बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उन्हें खाली कर दिया गया है। लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है। कांकेर में भी कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। सुकमा के कोंटा में NH-30B 5 दिनों से बंद है। बारिश की वजह से धमतरी का गंगरेल डैम लबालब भरा है।
इसे करीब 1 लाख क्यूसेक से अधिक प्रति सेकंड पानी की आवक बनी हुई है, जिसको देखते हुए डैम के सभी 14 गेट सोमवार को खोल दिए गए थे। वहीं रुद्री बैराज से भी पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते शिवरी नारायण समेत महानदी के किनारे के इलाकों में जल स्तर बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों तक कई राज्यों में एक्टिव मानसून की स्थिति बरकरार रहेगी, उसके बाद बारिश कम होगी। बहरहाल दोनों ही राज्यों में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है।